इससे पहले आप कौन सी बाइक राइड कर रहे थे? अपाची 160 2V या 4V? 4V 4V। हाँ, एक ही इसमें दिक्कत होता है कि चेन स्प्रे पड़ने के बाद पीछे वाला अलॉय पूरा गंदा हो जाता है, पूरा गंदा हो जाता है। आगे की माइलेज क्या दे रहा है BS6 में, तो आप बताइए। वेलकम बैक टू योर ब्लॉगर चैनल, ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ा है बजाज पल्सर NS200 का जो बिल्कुल ही न्यू 2021 वेरिएंट था वो। तो आज हमारे साथ इसके ओनर हैं, जो कि आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाले हैं कि कब इन्होंने बाइक परचेस किया, कितने में परचेस किया, क्या कुछ इन्हें माइलेज मिल रहा है और कैसा इनका रिस्पांस है। यहाँ जाइए। तो अब हम इनसे फुल डिटेल्स में पूछने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप NS को लेने का सोच रहे थे तो आपको एक प्योर ओनरशिप एक्सपीरियंस आज मिलने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि कोई भी आपकी बाइक अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सौरभ। सौरभ, तो आपने इस बाइक को कब परचेस किया था? 10-12 दिन हो रहे होंगे। 10-12 दिन, तो आप मतलब आप खुद ही राइड कर रहे हैं इसे? और अभी तक आप कितना किलोमीटर के अप्रॉक्स में राइड किए हैं इसको? 445। और इससे पहले आप कौन सी बाइक राइड कर रहे थे? अपाची 160 2V या 4V? 4V 4V। तो उसे क्या आपने सेल करके ये लिया फिर? नहीं, वो भी है और ये भी है। तो बात कर लेते हैं, जिस टाइम पर आप इस बाइक को परचेस किए थे तो उस टाइम पर आपको क्या प्राइस इसका पड़ा था ऑन रोड? 153,000। तो आपने फाइनेंस करवा के लिया था या कैश? हार्ड कैश में। तो कैश में तो मतलब फाइनेंस का कुछ लफड़ा ही नहीं रहा, तो अब पूछने का ही क्या, किस्ती कितना बना क्या। कैश में इन्होंने परचेस किया था 153 में। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप अपाची चला रहे थे तो उसके कंपैरिजन में अगर हम इसे पूछते हैं, वो तो 160 सीसी का है, ये 200 सीसी का है, तो आपको परफॉर्मेंस में अपग्रेड कुछ फील होता है? भीड़ भाड़ में कटिंग अच्छा, और ऐसे राइडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, टॉप स्पीड है जितना आप ले जा सकते। मतलब अपाची के कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो इसमें मतलब आपको परफॉर्मेंस में कैसा उससे कुछ ज़्यादा अपग्रेड लग रहा है चलाने में? उससे ज़्यादा यही है, स्पीड अच्छा है, आप रफ एरिया में आराम से निकल सकते हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में। मतलब अगर बात करते हैं किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस हुआ बाइक में, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा नॉइज कहीं से, किसी तरह का कुछ भी पैनल गैप्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। और अगर बात कर लेते हैं कि आप मतलब एज अ पिलियन आप पीछे बैठा के चलते हैं या सिंगल ही राइड करते हैं? पीछे बैठा के भी चलते हैं पिलियन को। तो कंफर्ट कैसा रहता है जब पीछे पिलियन बैठता है तो आगे बैठने में? चलना बहुत ज़्यादा स्पेस है, अच्छा खासा है। अच्छा, और अगर हम बात कर लेते हैं बाइक में जैसे कि आपको अभी माइलेज क्या ऑफर कर रहा है, क्योंकि माइलेज का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि माइलेज क्या दे रहा है BS6 में, तो आप बताइए। मैं पहला सर्विसिंग अभी हुआ है, जब तक कुछ टाइम नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा, 30-35 अप्रोक्स जो कंपनी बोलता है वो उतना दे देता है मतलब। और अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट सर्विसिंग में आपका कॉस्टिंग कितना आया, मतलब कितना खर्चा आया फर्स्ट सर्विसिंग? कॉस्टिंग अभी बिलिंग तो हुआ नहीं, बिलिंग के बाद बता सकते। अच्छा, तो बिलिंग अभी तक इनका नहीं हुआ फर्स्ट सर्विसिंग का, बट फिर भी अप्रोक्स में हमको लगता है कि कितना आएगा, अप्रोक्स में कितना आ जाएगा इनका? मतलब वही लगभग 600-700 रुपए के लगभग में इनका जो है वो फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्टिंग आने वाला है। तो ज़्यादा कुछ वैसा दिक्कत नहीं है, और जैसे व्हाइट अलॉय व्हील सब कर दिया है कंपनी इसमें, तो आपको व्हाइट अलॉय व्हील से कुछ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है मेंटेनेंस को लेकर? नहीं, वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अब 20 लोग है और मेंटेन नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं है लेने का। अगर मेंटेन करने का इच्छा है तभी लेना, नहीं तो मत लेना। नहीं, जैसे पहले क्या था कि ब्लैक अलॉय व्हील्स देता था कंपनी तो मेंटेनेंस कम था। बाद यहाँ एक ही इसमें दिक्कत होता है कि चेन स्प्रे पड़ने के बाद पीछे वाला अलॉय पूरा गंदा हो जाता है, पूरा गंदा हो जाता। आगे वाला अलॉय आपको ज्यादा गंदा नहीं मिलेगा, पीछे वाला गंदा मिलेगा, मतलब वो एक प्रॉब्लम है थोड़ा। मतलब लुक में जाओगे तो वो प्रॉब्लम आपको देखना ही। तो लुक में अगर हम बात करते हैं तो पहले का जो मॉडल आता था उसका लुक आपको ज्यादा अच्छा लगता था या अभी का? ज्यादा इसका लुक ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि काफी लोगों को क्या है कि व्हाइट अलॉय के कारण लुक जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट में एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। अगर आप अभी आप राइड करके देखो, चार लोग पक्का मुड़ के देखेंगे, इतना गारंटी है। मतलब देखिए, आई बोल्स कैश तो जरूर करता है, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि मार्केट में काफी डिफरेंट लुक इसे प्रोवाइड करता है और काफी अच्छा भी लगता है। पर्सनली मुझे भी अगर आप देखते हैं तो रेड कलर जो है, मैट रेड स्पेशली, ये मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब ये काफी व्हाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा यूज करने का कोशिश किया, और ये जो कलर स्पेशली काफी अच्छा है। अगर आप ग्रे और ब्लैक के कंपैरिजन में अगर आप इसे देखते हैं तो पर्सनली मेरा भी फेवरेट यही कलर ऑप्शन है। अगर मुझे भी परचेस करना रहता तो मैं यही कलर ऑप्शन के साथ जाता। आप पूछ लेते हैं भैया से कि और जैसे आप अपने साइड से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे NS को लेकर? NS को लेकर अभी फिलहाल तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले 160 राइड कर रहा था मैं फ्रेंड का, अब उसके हिसाब से देखें तो इस पे स्पीड और कटिंग एज थोड़ा इसका बहुत ज़्यादा है। आप भीड़ भाड़ में निकल सकते हो और स्पीड तो इसका कोई कहना ही नहीं है। मतलब पिकअप और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं?
ड्यूक से अच्छा पिकअप है इसका, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो अगर जैसे अभी कोई लेने का सोच रहा है 2021 में इस मॉडल को, तो आप उसको सजेस्ट करिएगा। मेंटेन कर सकते हो तो ले लो, नहीं कर सकते हो तो मतलब मेंटेनेंस का थोड़ा इशू तो आ गया है व्हाइट अलॉय व्हील्स होने के कारण, और ऐसे मतलब अगर देखा जाए तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि बजाज का जो बाइक का जो पार्ट्स का रेट होता है वो काफ़ी ही मतलब देखा जाए तो कम होता है, इतना होता है कि आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अब वो किसी भी पार्ट्स का एक्स्ट्रा प्राइसिंग आपको नहीं लगेगा, एकदम जेन्युइन प्राइसिंग रहता है, और इसीलिए भी ये बाइक इतना सेल भी होता है, क्योंकि मतलब देखा जाए तो आफ्टर सेल सर्विस और जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है 200 cc 250 cc सेगमेंट की बाइक्स का, वो देखा जाए तो मतलब इसमें काफ़ी कम आपको मिलता है। और प्राइसिंग भी देखा जाए तो 1,53,000 रुपीज़ में भैया ने परचेस किया था, तो ये सेटिस्फाई है और सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इस बाइक को, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बस बात रहा मेंटेनेंस का, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो आप लेके इसे पूरा सेटिस्फाई है अभी तक। तो ये था फ्रेंड्स इसका एक पूरा ही प्योर ओनरशिप रिव्यू। और रहा बात तो आपकी हाइट अभी क्या है और पैर वैर रखने में कोई दिक्कत? थोड़ा सा बड़ा है, पर अब शौक के आगे क्या देखेंगे, मतलब ऐसे कोई ट्रैफिक वगैरह में कहीं पे आज तक आगे पीछे करने में कि नहीं हो रहा है तो उतर के करना पड़ा, वैसा कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। और पिलियन वगैरह भी बैठाने के बाद कोई प्रॉब्लम राइड करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पीछे वाले को बैठना आना चाहिए। चलिए तो ये था इस बाइक का एक पूरा ओनरशिप रिव्यू। होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होगी वो सब क्लियर हो गई हो बाइक को लेकर। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स। और हम भैया को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया हमारे साथ, ताकि अगर आप भी बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं तो मतलब आपको हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।